What's up, guys? This is Guru Man. Hello, guys. This is Jashanpreet Singh. और गुरु मान डिनर चैलेंज के लिए मेरी रेसिपी आपके सामने है. इसका नाम है चिकन एग्स रेनबो. और इसके मैक्रो ब्रेकडाउन है 59 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 20 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, जिसके अंदर की 10 ग्राम्स ऑफ फाइबर है. देयरफॉर जो नेट कार्ब्स हैं वो हैं 10 ग्राम्स और फैट्स हैं 10 ग्राम्स. देयरफॉर इफेक्टिव इसकी जो मैक्रो है वो है 59, 10 एंड 10. आइए देखते हैं कि ये रेसिपी हमने कैसे बनाई. मैं इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ कर रहा हूँ वो हैं वेजिटेबल्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, टर्मरिक, ग्रीन हर्ब्स, सिनामन, सॉल्ट, 150 ग्राम ऑफ चिकन बॉइल्ड चिकन ब्रेस्ट, देन 4 एग्स, देन 5 ग्राम ऑफ सोया चंक्स. लेट्स क्विकली रिव्यू व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स. रेड अनियन के फायदे हैं कि इसके अंदर फाइबर होता है, फॉलिक एसिड्स होते हैं, बी विटामिन्स होते हैं. इन ग्रीन अनियन विटामिन ए होता है जो कि हमारी आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है. कैप्सिकम के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट होता है, ये जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत हेल्दी होता है. टमाटो के अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन के रहता है जो कि गुड फॉर हेल्थ होता है और कैंसर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है. कैबेज के अंदर विटामिन ई होता है इसके अंदर, जो कि स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. मोर ओवर कैबेज के अंदर बहुत ही लो कार्ब्स होते हैं. स्पिनेच इज़ अ सुपर फूड बिकॉज इट हैज़ ऑल द विटामिन ए, बी, टू, सी, के, एवरीथिंग इट हैज़ इन इट. Then moreover it is also rich in antioxidants. Then if we talk about the chia seeds and the flax seeds, these are also rich in fiber and antioxidants. Chia seeds have more omega 3 than salmon. It is also a superfood. Then if we talk about chicken breast and egg whites, then these are the purest form of protein, in which there is zero carbs and 0 gram of fats. If we talk about soya chunks, then from point of view of vegetarian, this is the best source of protein. And if you talk about our जो कि हम मसाले यूज कर रहे हैं उसके बारे में बात करें, then नमक, हल्दी, इनके इसके बहुत फायदे हैं. सिनेमन के बहुत फायदे हैं. सिनेमन के सबसे बड़े फायदे हैं कि वो बीपी को नीचे ले आने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन लोअरिंग योर बीपी. देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन फाइटिंग द डायबिटीज पेशेंट. इट हेल्प्स इन फाइटिंग डायबिटीज. सो इट इज़ वेरी गुड फॉर द डायबिटीज पेशेंट्स एंड मोर इम्पॉर्टेंट इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर आर हार्ट हेल्थ. मैंने चिकन और सोयाबीन इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसको मिक्स करेंगे. कुकिंग के लिए गाइस हम नॉनस्टिक कुकिंग स्प्रे और नॉनस्टिक कुकिंग पैन का यूज़ करेंगे. 2 से 4 स्प्रे मारेंगे हम इसकी कुकिंग पैन के ऊपर एंड देन गैस ऑन करेंगे इंडक्शन. हम खाने को लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे सो दैट कि न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ख़राब ना हो और सिर्फ इतना पकाएंगे कि हमारे एग्स पक जाएं. अब हम इसके अंदर अपना मिक्सचर डालेंगे. गाइस हमने ओवर कुक नहीं करना, हमने सिर्फ एग्स को पकाना है और न्यूट्रिशनल वैल्यू को ख़त्म नहीं होने देना सब्जियों की. तो साथ साथ में हिलाते रहेंगे. हमारे एग्स लगभग पक चुके हैं. केवल 1 से 2 मिनट की कुकिंग के बाद ये हमारी डिश तैयार हो जाएगी. गाइस अब हमारी डिश रेडी है. इसके ऊपर हम डालेंगे ग्रीन हर्ब्स, थोड़ी सी ग्रीन हर्ब्स. डिश रेडी है. इसका नाम है चिकन एग्स रेनबो.
Guys, here is the complete nutritional value of our recipe. That is, carbs are 20.3, out of which fiber is 10.2. Therefore, the net carbs are 10.1 grams, and the fiber and the fat is 9.9 gram. Protein is 58.9 grams. Thank you guys for watching this video. If you like this video, do give a thumbs up and please share your reviews in comment section. Thank you.